भगवान वासुदेव और मां गंगा की छत्रछाया में बसे अमरोहा और नगीना सहित इस पूरे क्षेत्र के आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल से नवरात्र का पावन समय शुरू हो रहा है, आप सभी की मनोकामना पूरी हो इसी कामना के साथ मैं आज मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगी। साथियों, बीते कुछ दिनों में मैंने देश के चारों कोनों, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा का दौरा किया। पूर्ण बहुमत वाली सरकार के लिए हमेशा देश के हितों को सबसे ऊपर रखने वाली सरकार के लिए, आपके विकास के लिए काम करने वाली सरकार के लिए देश भर में जो लहर चल रही है, वो आज मुझे यहां अमरोहा में भी दिखाई दे रही है। के साथ शीश झुका करके आप सबको नमन करता हूं। आज आपके सामने शीश झुकाते हुए मुझे इस बात का भी गर्व है, इन 5 सालों में मैंने देश का सिर झुकने नहीं दिया। पूरी दुनिया में देश की साख आज जितनी ऊंची है उतनी कभी पहले नहीं रही। भाइयों और बहनों, कल ही आपके इस प्रधान सेवक को संयुक्त अरब अमीरात ने वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शायद मेडल देकर के सम्मानित किया। मैं यूएई की सरकार और वहां की जनता का इस सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये सम्मान मोदी का नहीं है बल्कि 130 करोड़ भारतीयों का है। खाड़ी देशों के विकास में योगदान दे रहे हमारे लाखों भारतीयों का है। कुछ साल पहले सऊदी अरब ने भी मुझे हम सभी को एक प्रकार से पूरे भारतवासियों को वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था। भाइयों और बहनों, दुनिया में भारत की साख और सम्मान अगर नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो इसके पीछे आप सबके आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है। भाइयों और बहनों, देश की साख रहे
इसके लिए मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। मजबूत सरकार ही कड़े और बड़े फैसले ले पाती है, देश को आगे बढ़ा पाती है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जर्मनी में भी भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भी भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के सभी देशों में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये सारी दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा है, इसका कारण क्या है? ये दुनिया में जय जयकार हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण मोदी नहीं है, इसका कारण आप लोग हैं। 2014 में आपने जो वोट दिया उसकी ताकत है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार की ताकत है। आपने मजबूत सरकार बनाई, इसलिए हिंदुस्तान का हौसला भी मजबूत हो गया और दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार होने लगा। भाइयों बहनों, आपने मुझे 5 साल बराबर देखा, विरोधियों ने मुझ पर आरोप लगाए वो भी सुने हैं। आप मैं से मुंह पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल से जिस रणनीति को लेकर के ये चौकीदार चल रहा है, क्या आपको वो पसंद है? क्या आपको पसंद है? क्या आपको मंजूर है? क्या आप मुझे बताइए, आतंकी हमले के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था या उन पर प्रहार करना चाहिए था? मैंने सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? आतंक के सरपरस्तों से बात होनी चाहिए या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए? ये सारे काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आतंकियों को घुस करके किसने मारा? लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है। जब भारत दंगे की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं, वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं।
इन दलों ने सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दी है, इन्होंने आपके जीवन, आपके अस्तित्व को भी संकट में डालने का काम किया। साथियों, उन दिनों को याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या होता था? कभी लखनऊ में बम फूटते थे, धमाके होते थे, कभी रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में धमाके होते थे, कभी भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को दहला दिया जाता था, कभी रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हो जाता था। अक्सर इन हमलों के तार यूपी के अलग इलाके दूर दूर तक इलाकों में जाते थे। देश की एजेंसियां बहुत मेहनत से उन हमलों में शामिल लोगों को पकड़ती, लेकिन वोट बैंक की अपनी सियासत की वजह से बुआ भी और बबुआ भी, उनकी सरकारें उनको छोड़ देती थी। साथियों, ये हमले किसके खिलाफ, ये हमले कौन करा रहा और क्यों सपा बसपा ऐसे लोगों पर मेहरबान थी, ये आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। साथियों, अब बीते 5 वर्षों से धमाके रुक गए कि नहीं रुक गए, बम बंदूक की आवाजें बंद हुई कि नहीं हुई, निर्दोष लोग मरना बंद हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, धमाके इसलिए रुक गए क्योंकि दिल्ली में आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। आतंकियों को पता है वो एक गलती करेंगे तो मोदी उन्हें पाताल में भी खोज करके सजा देगा। मोदी आतंक को वोट बैंक से नहीं तोलता, सभी आतंक के मददगार आज जेलों में बंद पड़े हैं। साथियों, शहीद अजीत सिंह हो, शहीद रिकू सिंह हो, शहीद मुकेश चंद हो, ऐसे हर शहीद ने सुरक्षित समृद्ध भारत के लिए ही अपने प्राण न्योछावर किए। मुझे खुशी है कि भाई कंवर सिंह तवार मेरे साथी ने इसी भावना के साथ अमरोहा में काम किया, अपने प्रयासों से शहीदों की प्रतिमाएं लगवाई हैं और बेटियों के सामूहिक विवाह करवाए। भाइयों और बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलकर साथ चलना होगा। कुछ लोग हैं जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के नाम पर खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के स्वार्थ को समझिए, मुझे बताइए, अरे जब दुनिया में देश की पहचान ही नहीं रहेगी तो फिर इसका खामियाजा एक एक हिंदुस्तानी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में और फिर 2017 में ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
सबका साथ सबका विकास के विजन पर चल रही हमारी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर चल रही हमारी सरकार देश की पहचान को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, आज जब मैं आपसे देश की पहचान की बात कर रहा हूं तो आपको कांग्रेस के कुछ और पुराने गुनाहों की भी याद दिलाना चाहता हूं। सिर्फ एक परिवार की पहचान बनाने के लिए, सिर्फ एक परिवार के कुछ लोगों की प्रतिष्ठा के लिए, एक परिवार के स्वार्थ की सिद्धि के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर का भी अपमान किया। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में हराने के लिए एड़ी चोटी का झोर लगाया। देश के प्रति बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान को भुलाने की साजिश रची थी, क्योंकि बाबा साहब ने उस परिवार को चुनौती दी थी, इसलिए बाद की पीढ़ियों ने भी बाबा साहब से निरंतर बदला लिया। वो तो आज वोट बैंक की मजबूरी है जो कांग्रेस बाबा साहब का नाम लेना शुरू किया है, वरना वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक उनकी फोटो तक संसद में लगने नहीं दी। ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ये उनके सारे साथियों को माफ कर सकते हैं क्या? उनके झूठे वादों को मान सकते हैं क्या? साथियों, उसी दौर में हमारे देश में एक और महान नेता हुए थे, योगेंद्रनाथ मंडल। आपने शायद उनका नाम भी नहीं सुना। आपने उनका नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि आजादी के बाद की कांग्रेस सरकारों ने उनके उन इतिहास को भी आपके सामने नहीं आने दिया। साथियों, योगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब के बहुत करीबी साथी थे, कानून के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जीना के बहकावे में आकर बंटवारे के समय वो पाकिस्तान चले गए। वो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, वहां का संविधान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में उनको अपमानित किया गया। एक विशेष वर्ग का होने की वजह से पाकिस्तान में उनका जीना मुश्किल कर दिया गया। वहां के हालात ने उनका भरोसा तोड़ दिया। वो इतने दुखी हुए कि पाकिस्तान छोड़ करके भारत की शरण में आ गए। लेकिन पाकिस्तान से वापस आने के बाद तब की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया। अपनी मृत्यु तक वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रहे। आज मैं आपको उनके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतिहास में छिपे तथ्यों को जानना और उनसे सबक लेना जरूरी है। ये सबक ही आपके वर्तमान और भविष्य को मजबूत करेंगे। साथियों, बाबू जगजीवन राम जी के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। आज उनकी जयंती पर बाबू जगजीवन राम जी को मैं नमन करता हूं। बाबू जगजीवन राम ने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। बाबू जी दो चीजें चाहते थे, एक मजबूत भारत और दूसरा लोकतांत्रिक भारत। अब हमने पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया था।
सब बाबूजी भारत के रक्षा मंत्री, लेकिन इस देश में केवल एक ही परिवार की जुई हजूरी करने वाले लोग देश के इतिहास में एक गौरवशाली नेतृत्व के लिए बाबूजी को कोई श्रेय नहीं देते हैं। बाबूजी आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे पहले कांग्रेसी नेता थे। उन दिनों में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री का डर लोगों में भरा हुआ था, जब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, बाबूजी ने कहा था कि लोग इस संघर्ष के परिणामों से बिल्कुल भी न डरे। बाबूजी जिन बातों में विश्वास किया करते थे, उन सभी बातों पर आज कांग्रेस की वजह से एक खतरा मंडरा रहा है। आप महसूस कीजिए कि आज बाबूजी की अगर जीवित होते, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस और विपक्ष के आचरण के कारण उन्हें कितनी पीड़ा होती। यदि कांग्रेस और महामिलावट वाले जीतते हैं तो बाबूजी के आदर्शों का कभी सम्मान नहीं होगा। भाइयों और बहनों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने देश का बहुत नुकसान किया। याद करिए, पश्चिम यूपी में पहले गुंडागर्दी की, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अपराधियों को खुली छूट मिल गई थी। ये अमरोहा, ये शामली, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार न हो, व्यापारियों के साथ लूटपाट न की हो, क्या वारदातें नहीं होती थी। कितनी ही बेटियों ने इस वजह से स्कूल तक जाना छोड़ दिया। अब आज भाजपा सरकार में इस पर नियंत्रण लगा, हमारी बेटियों को परेशान करने वालों को, हमारे व्यापारियों को परेशान करने वालों को दो टूक संदेश दे दिया गया है कि सुधर जाओ, नहीं तो जेल का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, गुंडागर्दी हो, बिजली की समस्या हो, खराब सड़कें हो, ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से यहां उद्योग लगाने से लोग डरते थे। इस स्थिति को बदलने के लिए, निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए एक ईमानदार कोशिश की जा रही है। अमरोहा की रिंग रोड हो, बाईपास हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, गांवों की सड़कें हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, हर स्तर पर काम हो रहा है। पद्मावत एक्सप्रेस और आला हजरत एक्सप्रेस अब यहां रुकने लगी है। आने वाले समय में ऐसी सुविधाओं का विस्तार होना तय है। आपके सहयोग से एक और काम मैं कर पाया हूं। आपके इस चौकीदार ने लाल बत्ती उतरवाई, पता है ना, लाल बत्ती उतरवाई और गरीब के घर में बत्ती जलाई। बड़ों बड़ों की लाल बत्ती चली गई, गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई। भाइयों और बहनों, सौभाग्य योजना के तहत यूपी के 77 लाख गरीब परिवारों के घरों तक मुफ्त में बिजली कनेक्शन पहुंचा।
तो अमरोहा और शामली में 1,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को रोशनी मिल चुकी है। कई गांव जो गंगा जी की गोद में बसे थे वहां खंभे नहीं लग सकते थे, तो हमने रास्ता निकाला, सोलर पैनल लगाई, लेकिन बिजली का काम पूरा किया। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ बैंकों को छोटे छोटे उद्यमियों और युवाओं के लिए बैंकों से ऋण को बहुत आसान कर दिया। अब तो छोटे उद्यमियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की स्वीकृति ऑनलाइन करने की भी व्यवस्था हमने की। पूरे यूपी में स्वरोजगार के दिए बिना किसी गारंटी के करीब 1.5 करोड़ मुद्रा लोन भी आज दिए गए। भाई और बहनों, जवान हो, नौजवान हो या फिर किसान, चौकीदार की सरकार ने हर एक की हित की रक्षा करने का काम किया। गन्ना किसानों को उनका पैसा उसी सीजन में चुकाया जाए, इसका गंभीर प्रयास हो रहा। योगी जी पूरी संवेदनशीलता से इस पर काम कर रहे हैं। फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने का काम भी ये चौकीदार ने किया है, भाजपा की सरकार ने। यूपी के 2 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपये की सीधी मदद हर वर्ष मिलनी शुरू हो गई। इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जा रहा है। साथियों, मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि सारे काम पूरे हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने ईमानदारी से दिन रात एक करके आपके जीवन को आसान बनाने, देश के विकास के लिए हर पल दौड़ता रहा हूं, काम करता रहा हूं। इन कार्यों को जारी रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए 2019 के इस चुनाव में मुझे फिर से आपका आशीर्वाद चाहिए। जहां मैं देख रहा हूं, जहां नजर पहुंचे वहां भीड़ है। ये इतना बड़ा जनसैलाब इस बात का सबूत है कि मजबूत सरकार बनाने की लहर चल रही है। भाइयों बहनों, भाजपा के हर उम्मीदवार को दिया आपका वोट, ये मोदी की ताकत है। और मैं ये भी जानता हूं कि देश के विकास के लिए इन कार्यों में मैं अकेला नहीं, आप भी विकास के हर प्रयास में भागीदार है, आप भी चौकीदार है। मेरे साथ बोलिए, मैं भी गांव गांव, गली गली, शहर शहर, घर घर, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, व्यापारी भी, किसान भी, कामगार भी, कलाकार भी, खेत खलिहान में, सीमा पर, हिंदुस्तान भर में, आइए 130 करोड़ देशवासी मजबूत सरकार बनाने का फैसला ले और आपका वोट, कमल पर दमाया हुआ हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मेरे साथ बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।